प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। इसी कड़ी में पहले से तय कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आज पटना साहिब गुरुद्वारा भी पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी पगड़ी पहने हुए नजर आए। यहां श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में पहुंचकर दरबार साहिब में प्रधानमंत्री ने मत्था टेका और अरदास की। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पीएम मोदी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने यहां सेवा की और रोटी भी बनाई। वहीं प्रधानमंत्री गुरुद्वारे के बड़े से देग में बड़ी करछुल चलाते भी नजर आए। साथ ही उन्होंने लंगर में बैठे लोगों को अपने हाथों से खाना परोसा। पीएम मोदी की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें वो अलग अलग सेवाएं करते दिख रहे हैं। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इनको रात को सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। आप भी सुनिए पीएम मोदी का ये भाषण। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। आप अपने मोहल्ले में भी ढीला ढाला पुलिस वाला पसंद करते हैं क्या? ढीला ढाला टीचर पसंद करते हैं क्या? टीचर भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए, जरा जवाब दीजिए ना। टीचर भी तो मजबूत चाहिए ना, मोहल्ले में पुलिस वाला भी मजबूत चाहिए ना। तो फिर देश को प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे, अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। कोई मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, कोई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है, ये लेफ्ट वाले तो भारत के परमाणु हथियारों को ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंडी गठबंधन वालों ने भारत के खिलाफ ही किसी से सुपारी ले ली है। आप मुझे बताइए, ऐसे स्वार्थी लोग क्या राष्ट्र रक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।